अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और दुआ करता हूँ आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो दोस्तों आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके लिए एक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाता रहूं। तो आज मैं ये आपको व्यू दिखा रहा हूं क्वेटा के रेलवे स्टेशन का, बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है ब्रिज से। ये अभी फ़िलहाल मालगाड़ी खड़ी है जो इधर से आती है अफगानिस्तान से माल लेके। तो इधर जाफर एक्सप्रेस भी आती है जो पेशावर से चलती है, पंजाब से होते हुए सिंध से गुजर के फिर इधर क्वेटा पहुंचती है। मतलब ये जाफर एक्सप्रेस पहली गाड़ी है जो चारे सूबे टच करती है, और बाकी जो दो हैं बुलान कराची जाती है वो आजकल कोरोना की वजह से बंद है। इसके अलावा एक अकबर एक्सप्रेस है, क्वेटा एक्सप्रेस भी कहते हैं उसे, वो कोरोना की वजह से वो भी बंद है, जो लाहौर से क्वेटा आती है और बुलान कराची से क्वेटा आती है। आजकल सिर्फ जाफर एक्सप्रेस चल रही है। वैसे टाइम इसका 5 बजे तक होता है इधर, और 9 बजे इधर से चलती है, जो अक्सर 1.5 घंटा लेट हो जाती है। इसलिए अभी स्टेशन पे कोई रौनक नज़र नहीं आ रही, खाली पड़ा है प्लेटफार्म। तो दोस्तों इस ब्रिज से क्वेटा का बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। क्वेटा एक बहुत प्यारी वादी है, जन्नत जैसी खूबसूरती पेश कर रही है। अगर आपका कभी मूड बने सैर तफरी करने के लिए तो एक दफ़ा क्वेटा का ज़रूर चक्कर लगाना। क्वेटा की बर्फ़बारी बड़ी मज़ेदार होती है, बड़ा मज़ा आता है बर्फ़बारी के दिनों में, जो कि जनवरी के मिड या फरवरी के शुरू में होती है। पिछले साल 13 जनवरी को हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, तकरीबन 24 घंटे होती रही है। तो इस बार जनवरी को नहीं हुई, हो सकता है फरवरी को चांस बन जाए। अभी तक जनवरी में कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि पहाड़ों पे भी बड़ा ज़बरदस्त क्लियर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कोई बर्फ़बारी अभी तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे। वैसे पहले जब बर्फ़बारी से पहले पहाड़ों पे पहले बर्फ़बारी शुरू होती है, पहाड़ों पर सफ़ेदी छा जाती है, जो कि आजकल नज़र नहीं आ रहे, आजकल मेरे को क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक कोई चांस नहीं है बर्फ़बारी का। ये रेल प्लेटफार्म क्वेटा का रेलवे स्टेशन का बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, माशाल्लाह दिल करता है इधर ही खड़े रहें और व्यू करते रहें पूरे क्वेटे का, बहुत ही प्यारा मंज़र है। ये देखें ये स्टेशन के आउटसाइड पे, ये इधर बाज़ार की तरफ से कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। क्वेटा स्टेशन से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है इधर मार्केटें, बाज़ार, लियाकत बाज़ार जो कि बहुत बड़ा मशहूर है क्वेटा का, रूसी मार्केट जहाँ से इंपोर्टेड चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, सेकंड और न्यू भी, ब्रांडेड भी। ये देखो बहुत प्यारा मंज़र नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल व्यू। ये है क्वेटा की वादी, ब्यूटीफुल, पूरा ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये क्वेटा के पहाड़ जो हैं वो खुश्क हैं, हरियाली इधर नहीं होती, बारिशें कम होती हैं और बर्फ़
सर्दी तो इंतहा की होती है, -10 -15 तक भी टेम्परेचर जाता है। अभी पिछले हफ्ते तकरीबन 10 दिन होने वाले, तो -11-12 तक टेम्परेचर रहा है। पानी भी जम जाता है, जैसे टूटियों से निकल रहा है ना, अगर टपक रहा है तो वो वहाँ बर्फ़ जम जाती है, ड्रेन में पानी जम जाता है बिल्कुल। अगर रोड पे पानी नज़र आ रहा है, ओवरफ्लो हो जाता है अक्सर नालियों वगैरह का, तो वो भी बर्फ़ बन जाती है। ये देखो ब्यूटीफुल नज़ारा, बिल्कुल ख़जां का मौसम नज़र आ रहा है। ये सिर्फ बर्फ़बारी की वजह से ना, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ इनके सारे पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं इन दरख्तों के, और अभी बिल्कुल ख़जां का मौसम बयान कर रहे हैं। ये ट्रैक हैं रेलवे स्टेशन के, ये पैदल क्रॉस करने वाला ब्रिज है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और व्यू ले रहा हूँ। अब ये दूसरी साइड है ब्रिज की तरफ से, ये दूसरी तरफ से पहाड़ बहुत प्यारा व्यू पेश कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। तकरीबन ब्रिज से पूरा क्वेटा नज़र आता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे सब बिल्कुल, मशरक मगरब शुमाल जुनूब चारों साइडों से ये पहाड़ी पे गिरा हुआ है, चार साइड से ये पहाड़ी पहाड़ी है। इनमें बहुत ज़्यादा हाइट वाली भी हैं, दरमियानी भी हैं, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल, माशाल्लाह ब्यूटीफुल नज़ारा पेश कर रही है।